Hello friends, namaste and welcome back to my channel. I hope everyone is doing good. In today's video, I am going to share a DIY of cow head wall hanging using waste plastic bottle. जी हाँ, आज मैं आपके साथ एक DIY शेयर करने जा रही हूँ, cow head wall hanging. आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे cow head wall hanging डाल के तो आप देखेंगे कि हजारों रुपए की इसकी कीमत होती है, लेकिन हम अपने घर में वेस्ट प्लास्टिक बॉटल को यूज करके बहुत ही कम बजट में इसको तैयार कर सकते हैं. हजारों रुपयों में मिलने वाली ये वॉल हैंगिंग आप बहुत ही कम बजट में अपने घर पर बना सकते हैं. ये है वो काउ हेड वॉल हैंगिंग और इसको मैंने वेस्ट प्लास्टिक बॉटल, क्योंकि प्लास्टिक बॉटल मेरी खाली हो गई थी तो मैं उसको फेंकने से अच्छा है कि आप उसका इस तरीके से रीयूज कर लें. इस तरीके से आपका एनवायरनमेंट भी साफ रहेगा और आप अपने घर में बहुत ही कम बजट में इतनी ब्यूटीफुल चीज़ भी तैयार कर सकते हैं. आप इसका पूरा वीडियो देखेंगे तो आप भी इसको इजीली अपने घर पे बना सकते हैं. सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी मोर डिले, लेट्स जंप इनटू द वीडियो. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सर्फ एक्सेल की ये वाली बोतल ले ली है और उसका जो रैपर है उसको मैं कैंची की हेल्प से हटा दूंगी. अब इस बोतल में एक तरफ कुछ अलग सी डिज़ाइन है तो उसको सेम करने के लिए एल्युमिनियम फॉइल को मैं स्टिक कर दूंगी एक तरफ, ताकि दोनों हिस्से जो हमारी बोतल के एक जैसे दिखने लगें. अब बोतल का जो कैप है उस पर एल्युमिनियम फॉइल को आपको रैप करना है और उसके बाद पूरी बोतल को एल्युमिनियम फॉइल से इस तरीके से रैप करना है. उसके बाद एल्युमिनियम फॉइल को स्टिक करने के लिए मास्किंग टेप से मैंने चिपका दिया है एल्युमिनियम फॉइल को बोतल के ऊपर. ये इस तरीके से दिखने लगेगा. अब हम काऊ के हॉर्न बनाएंगे. तो हॉर्न बनाने के लिए न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसको इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और बस इसको टेप से सिक्योर कर दीजिए तो आपका काऊ के हॉर्न रेडी हो जाएंगे. यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड की हेल्प से काऊ के ईयर भी बना लिए हैं. इस तरीके से दो कार्डबोर्ड की कटिंग करके आपको उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल को रैप कर देना है तो काऊ के दो ईयर रेडी हो जाएंगे. अब बॉटल में कैंची की हेल्प से आपको होल कर देने हैं और लगा के देख लीजिए हॉर्न वगैरह, ईयर वगैरह. उसके बाद इसको ग्लूगन से चिपका दीजिए और मास्किंग टेप से सिक्योर कर दीजिए. क्ले वर्क के लिए मैंने यहाँ पे पेपर मैशे क्ले का यूज़ किया है. आप चाहें तो कोई भी एयर ड्रायर क्ले, जैसे कि वॉल पुट्टी क्ले या मोल्डेड क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं. बस आपको क्ले की एक शीट बनानी है और बॉटल के ऊपर अच्छे से फेविकॉल या ग्लूगन लगा के अच्छे तरीके से आपको इस क्ले को चिपका देना है बॉटल के ऊपर. क्ले की सरफेस को स्मूथ करने के लिए आप पानी की हेल्प से इसको स्मूथ कर सकते हैं.
इस तरीके से आपको क्ले से ये जो काऊ हेड हमने बनाया है उसको अच्छे से कवर कर देना है। और जब ये सूख जाएगी क्ले तो आप सैंड पेपर से इसकी अच्छी तरीके से सैंडिंग कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है तो आप इस सैंड पेपर से इसकी स्मूथिंग कर दीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक्रिलिक वॉल पुट्टी ली है एक अच्छे से बेस के लिए। आप चाहें तो डायरेक्ट कलर भी कर सकते हैं और मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही इसको लगा दूंगी पूरे काऊ हेड के ऊपर। एक्रिलिक वॉल पुट्टी के सूख जाने के बाद मैंने थोड़ा सा क्ले वर्क और किया है। इस तरीके से फ्लावर डिज़ाइन बना दी है। कुछ डिज़ाइन मैंने काऊ के ईयर पे भी बना दी है। और उसके बाद पेंसिल से थोड़ी सी ड्राइंग कर ली है कि मुझे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी डिज़ाइन चाहिए। उसके बाद मैंने बेस के लिए एक्रिलिक कलर का यूज़ किया है येलो कलर के। आप चाहें तो कोई भी कलर इसके ऊपर कर सकते हैं। आप जो भी कलर करेंगे इसके ऊपर बहुत ही सुंदर लगेगा। फ्रेंड्स, आप इसको मार्केट से परचेज़ करेंगे तो ये बहुत ही महंगा मिलता है और अगर आप इसको ऑनलाइन से परचेज़ करेंगे तब भी ये बहुत महंगा मिलता है। अगर लेकिन आप अपने घर पे इसको बहुत ही इजीली बना सकते हैं। अगर आपके पास ये बॉटल नहीं है तो आप थर्माकोल से भी इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप उसको तुरंत देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपने मनपसंद कलर से इसको पेंट कर दिया है और उसके बाद एक कोट वार्निश का कर दूंगी तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और अब आप देखिए इसका फाइनल लुक।